छीना गया कुछ महीने पहले। मैं इससे पहले यहाँ आ नहीं सका तो आज आया हूँ, एक तो इस परिवार के साथ और इसके साथ साथ अपने वर्करों के साथ ताजियत और गम का इजहार करने और इनको यकीन दिलाने के लिए कि इस मुश्किल दौर में हम उनके साथ खड़े हैं। और कोई मकसद नहीं, कोई सियासी मकसद नहीं है आज के दौरे का इसके अलावा। सर, गुप्ता डिक्लेरेशन जिस तरह से इलेक्शन लड़ने के लिए जा रही है, तो क्या कहेंगे, किस तरह, क्या डिक्लेरेशन के अंडर इलेक्शन लड़ा जाएगा? अलग अलग पार्टियां इलेक्शन लड़ेंगी या इकट्ठे होकर इलेक्शन? तो कल फैसला हुआ था और कल हमारे जो प्रवक्ता हैं उन्होंने ऐलान भी किया था कि हमारा इरादा और हमारा फैसला है कि हम मिलके जो है इन इलेक्शनों में हिस्सा लेंगे और इससे आगे तो। प्रोफेसर भीम सिंह के ऊपर जिस तरह से उनको पार्टी से निकाला गया है, उन्होंने साथ दिया, उसकी बात है। देखें, आप हमने ये कभी नहीं कहा था कि हम सिर्फ उन लोगों से मिलेंगे जो हमारी बात को मानते हैं। हम तो सबको मिलने के लिए तैयार थे, यहां तक कि अगर बीजेपी वाले भी हमें आके मिलते और कहते ना हमें आपका 370 और 35A का नारा कबूल नहीं है, हम उनको भी सुनते। हमने ये कभी नहीं कहा था कि हम सिर्फ उन लोगों को सुनना चाहते हैं जो हमारे हां पे हां मिलाएंगे। और भीम सिंह साहब ने भी हमसे हटके बात की, उन्होंने कहा कि हम 35A को नहीं मानते, उन्होंने कहा भी हम 370 में तब्दीली चाहते हैं, तब जाके हम 370 को मानेंगे। तो मुझे नहीं लगता है भीम सिंह साहब ने कोई ऐसी बात की जिसके बुनियाद पे उसको अपनी पार्टी से इस तरह बेदखल करने की जरूरत थी। लेकिन अब जो कर दिया वो कर दिया, उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। जम्मू में किस तरह से साथ मिल रहा है लोगों का? जम्मू में हमें कोई 26 के आसपास डेलीगेशन कल आए थे मिलने के लिए, उसमें तरह तरह के सोच रखने वाले लोग थे। जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा, हमारा इरादा नहीं था कि हम सिर्फ उन लोगों से मिलें जो हमारे हां में हां मिलाएं, क्योंकि अगर हमें वो करना होता हम फिर कश्मीर में ही रहते। हमारा मकसद था जम्मू आने का कि हम तमाम विचारधारा रखने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन हैं या लोग हैं उनसे हम मिले, और काफी हद तक इसमें हमें कामयाबी हासिल हुई है। आगे जाके हम और लोगों से मिलेंगे। जिस तरह से सर मिलके इलेक्शन आप लड़ रहे हैं, तो जिस तरह से महबूबा मुफ्ती का तिरंगे वाला बयान आया, क्या आप समझते हैं कि इससे नुकसान हो सकता है जम्मू में? तिरंगे वाला बयान जो महबूबा मुफ्ती द्वारा दिया गया था, उन्होंने खुद उस बयान को उसके बाद दुरुस्त किया और उनकी तंजीम में भी कुछ हद तक उसका असर पड़ा। यहां हम जो हमारा एजेंडा है गुपका डिक्लेरेशन, हमारा जो एजेंडा है वो सबों का जो यूनिफाइड एजेंडा है, हम उस पर इलेक्शन लड़ेंगे। सर, इसके बाद जिस तरह से फैसला लिया गया कि मिलके इलेक्शन लड़े जाएंगे, अगर सर सेंटर की तरफ से इस वक्त असेंबली इलेक्शन करवाए जाते हैं क्या उसमें भी अगर मगर में ही तो सारा सिलसिला बिगड़ जाता है। अभी असेंबली इलेक्शन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर डिलिमिटेशन कमीशन नहीं होती तो मैं मानता कि मुमकिन है ये जल्दी इलेक्शन बुला सकते हैं, लेकिन अब तो डिलिमिटेशन कमीशन बुलाई गई है। कोरोना के वजह से डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना काम जमीनी सतह पर शुरू भी नहीं किया, अभी तो इनको इलाकों में आना है, डेलीगेशन से मिलने हैं, रिप्रेजेंटेशन और ये सजेशन मांगने हैं, उनको फिर रिपोर्ट में तब्दील करके हुकूमत के सामने पेश करना है। मुझे नहीं लगता है कि अगले एक दो साल में यहाँ असेंबली इलेक्शन मुमकिन होंगे, जब होंगे तब ये मुझसे सवाल। 370 35A किस लड़ाई जा रही है।